का प्रश्न है। आप ब्राह्मण विरोधी बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण के अमृत पिलाता है, ये क्यों नहीं कहा कि कोई यादव डॉक्टर बनता है तो क्या अमृत पिलाता है? बोलिए, आप कह रहे हैं मैं अपराधी हूँ, दोषी हूँ, ठीक है, चलिए। अपराधी हैं? अगर मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ये अपराधी हैं तो इनको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। हम अपराधी तब होते जब मुझ पे मुकदमे होते। मैं डर गया, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी कि ये थार निकल जाने दो, कहीं मुझ पे ना चढ़ा दे, ये थार वाले लोग हैं। वो तो कह रहे कि रास्ते में थार दिख गई, डर गए, अभी तक कांप रहे नेताजी। पापा के साथ अगर हम जाते, अकेले नहीं आ पाएंगे आप। अकेले अभी हमारी पार्टी 2 साल 2.5 साल की पार्टी है, निश्चित तौर पे कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। ईमानदार लोग हैं प्रसपा वाले, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि छोटी पार्टी। जिसके साथ हम रहेंगे सरकार उसकी बनने जा रही, ये आप लिखवा के ले लिए। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम माहौल गर्म है में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान हूं। दरअसल जो हमारी यात्रा है वो यथावत जारी है, बेदस्तूर जारी है, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनावी शंखनाद हुआ है, ऐसे में जो चुनावी दंगल है जो राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रहा है, जो दरअसल हलचल मचाए हुए है, इसमें माहौल कितना गर्म है इसको जानने की, समझने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और ये चुनावी दंगल जो है ये तब रुकेगा जब मतपेटियां खुलेंगी। मतपेटियां खुलेंगी तो किसकी किस्मत खुलेगी और अब कौन गर्दिश में है, जमीनी हालात क्या हैं और नेता इस पर क्या कुछ कहते हैं, समस्या के साथ समाधान पर भी बात होगी। इन सब बातों को करने के लिए हम जगह जगह घूम रहे हैं और दरअसल टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो त्यौहार है, जो चुनावी त्यौहार है, उससे पहले की जो रस्म अदायगी है वो हम सब कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या कुछ कह रही है और नेता क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे में जवाब तलब होगा उनसे जो सत्ता में हैं और इसके साथ ही साथ वो भी जवाब देंगे जो सत्ता में आने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पास क्या प्लान है और जनता के सम्मुख वो क्या चीजें रखने वाले हैं, इन सब चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ यहाँ पर सम्मानित नेतागण मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे साथ जनता भी यहाँ पर मौजूद है जो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। उससे पहले आपका परिचय करा देता हूँ, नेताओं से आपका तारुफ करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं मनोज यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही सचिन रावत जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत शुक्ला जी हैं जो बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ प्रसपा से साउद खान जी भी हैं। ऐसे में अब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम की संरचना बता देता हूँ, एक दरअसल परंपरा है हमारी। परंपरा यह है कि प्रवचन पर बात थोड़ी कम और वचन पर बात थोड़ी ज्यादा, ताकि जनता के सामने आप क्या वचन दे रहे हैं, उनसे क्या बात रखना चाहते हैं वो सब कहिएगा, ईमानदारी दिखाते रहिएगा। हालांकि नेताओं से इसकी उम्मीद जनता कम करती है। सबसे पहला सवाल सत्ता में विराजमान हमारे बीजेपी के नेताजी से है। आप वो चीजें बताइए जो चीजें आपको लगता हो कि आपकी सत्ता है, आप सत्ता में है, आपने वो चीजें करवा दी, बाकी सबके तो बस का ही ना था। देखिए कविन जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जिस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को चुना था, उन सभी उम्मीदों पर अगर कोई खरा उतरने का काम किया है तो हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर गांव गरीब किसान के लिए शत प्रतिशत कार्य किया है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का जो हमारा लक्ष्य था उत्थान का, उसको पूरा करने का काम किया है। प्रत्येक व्यक्ति तक सभी सरकार की योजनाओं को, चाहे वो केंद्र की हो या हमारे राज्य की हो, सभी को धरातल पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने। आपने कहा है कि गरीबों को शत प्रतिशत उनके लिए हमने काम किया है, आपने कहा जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके लिए हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से सारे काम करे, आपको लगता है उनके उत्थान के लिए, आपको लगता है कि आपने सारे काम कर दिए, सब कुछ ठीक आपने कर दिया, शत प्रतिशत जो आपका एक टारगेट था उसको आपने अचीव कर लिया है? बिल्कुल, देखिए हमारे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बहुत कुछ। देखिए उत्तर प्रदेश की बदहाली और खस्ता हाल के तमाम दल जिम्मेदार हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो आज बदहाली दिखती है उसके जिम्मेदार सपा वाले हैं। 17 से पहले की बदहाली थी, दिल्ली से अगर चलते थे जहां अंधेरा शुरू होता था वो उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जहां अपहरण के उद्योग चलते थे उसको उत्तर प्रदेश कहा करते थे, जहां पर रेपिस्ट बलात्कारी उनको कहा जाता था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, ऐसा उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। पहचान तो एक और बनी, पहचान हाथरस भी बना, पहचान हाथरस भी बनी, जहां पर कहा जाता है बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आपकी पुलिस ने उसको रात में जला दिया। पहचान लखीमपुर खीरी भी बना, जहां पर बताया जाता है पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों पर एक मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उसने गाड़ी चढ़ा दी।
ये भी पहचान है। देखिए पहचान 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 तो बनी है काविंद जी, 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति, अवैध अकूत संपत्ति, जो इन सत्ता के संरक्षण में, इन लोगों के संरक्षण में वो अपराधी इकट्ठा किए थे, उस पर बुलडोजर चला करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बता दिया है। ये स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज की कमर तोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है और आगे भी करने वाली है। बुलडोजर के साथ साथ जीप भी बहुत चल रही है, उस पर क्या कह रहे हैं? देखिए ये जो भी घटना हुई या जो भी है, उन सब का मामला जांच का विषय नेताओं का ये स्टैंडर्ड डायलॉग है कि जांच का विषय है। समाजवादी पार्टी के साथी हमारे साथ हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि टू विंडो बना दी गई है। एक तरफ हम सबके माइंडसेट ये बनाया जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा तो जितने भी हैं वो सब छोटे दल हैं, हमारे साथ आओ विलय करो या फिर बाहर जाओ, दो ही हैं। आप भी यही समझ रहे हैं कि दो ही कॉम्पिटिटर हैं, मतलब आप और बीजेपी और कुछ नहीं? देखिए आपका ये सवाल अपनी जगह वाजिब हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण जो है वो सारे अपने राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी ताकत है। एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी की इस आताताई सरकार से, जिसने डबल इंजन का प्रॉमिस किया और बुलेट ट्रेन की स्पीड का प्रॉमिस किया था कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट बुलेट ट्रेन की स्पीड के बराबर होगा, वो दोनों चीजें नहीं हुई। आखिर में रेस जो आई वो आई बैलगाड़ी की, उसको भैंसा गाड़ी मैं कहता हूँ। और एक जगह स्पीड देखने को मिली जिसका जिक्र अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता से किया, जीप भी चलती है उसमें स्पीड थी, फॉर्च्यूनर भी उसके पीछे थी उसमें भी स्पीड थी। तो समाजवादी पार्टी हर राजनीतिक दल को सम्मान करती है और कहती है, वो कांग्रेस हो बसपा हो या कोई हो, वो ताकत से चुनाव लड़े, हम मुख्य विपक्ष के रूप में थे और हमने अपनी प्रासंगिकता तो बनाए रखा, और जिनको आस्था है कि ये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ। नेताओं के साथ बड़ी दिलचस्प चीज होती है कि नेता वही बातें सुनते और समझते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक होती है। आपने जीप सुनी, आपने बुलडोजर नहीं सुना। वो बुलडोजर का जो जिक्र कर रहे थे वो आपके ही नेताओं के लिए कर रहे थे कि आपके नेता जो माफिया बनकर बैठे थे 2017 से पहले तक, अब उनकी अवैध जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर चल रहे हैं। अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की भी बात करें, इसके साथ ही साथ एटा चले जाइए तो जोगिंदर यादव है, उनकी प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर खूब चले हैं। देखिए आपका ये भी सवाल बिल्कुल जायज है, हम बुल और बुलडोजर दोनों की बात कर रहे हैं। बुल किसान को मारे दे रहा है और बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को मार रहा है जो माफिया थे। हम मैं कह रहा हूं उनको माफिया कह लो, मतलब माफिया थे आपकी सरकार। मैं जो बीजेपी कहती है वो कह लो, लेकिन आप क्या कहते हो? मेरी बात पूरी हो जाए। एक बात बता दी, आप क्या कहते हो? मैं कह रहा हूँ वो नेता थे। नेता थे हाँ, मुख्तार अंसारी नेता थे, अतीक अहमद नेता थे। माफिया की बात करेंगे तो आधार क्या है? मुकदमा, आपराधिक रिकॉर्ड, यही तो है। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भी था। आप क्लीन चिट दे रहे हैं मुख्तार अंसारी को, आप क्लीन चिट दे रहे हैं अतीक अहमद को, आप क्लीन चिट दे रहे हैं जोगिंदर यादव को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे मुकदमे नहीं है क्या? या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पे नहीं है 54 मुकदमे क्या? तो माफिया तो वो भी है, तो उनपे कार्रवाई कब होगी? दूसरी महत्वपूर्ण, समाजवादी पार्टी अगर दोबारा आती है तो मुख्तार अंसारी आपके यहाँ से टिकट से चुनाव लड़ेंगे, अतीक अहमद आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जोगिंदर यादव आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आजम खान आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पहले मेरी बात सुने, क्या उत्तर प्रदेश में, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में टॉप 10 की कब लिस्ट जारी होगी? उन टॉप 10 माफिया जो सरकारी वेबसाइट में है वो कौन लोग हैं? उसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही? आप ही के नाम है वो, मैं कह रहा हूँ जारी कर दो ना। अगर समाजवादी पार्टी के टॉप 10 के हैं माफिया तो उसको सरकार को जारी। मासूम सा सवाल है, इसका बड़ा मासूम सा जवाब दे दीजिएगा। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो मुख्तार अंसारी को टिकट, मुख्तार अंसारी को आप चुनाव लड़वाने वाले हैं? अभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान नहीं, चुनाव वो लड़ेंगे तो सरकार आने से पहले लड़ेंगे, सरकार आने के बाद नहीं। सरकार आने के बाद एमएलसी बनवाएंगे, उनको मंत्री पद देंगे। पार्टी किसी माफिया को टिकट नहीं देने जा रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ईमानदार प्रतिष्ठित नैतिकतावादी जो लोग हैं उनको टिकट देगी। इनसे पूछो कि सबसे ज्यादा विधायक दागी किस राजनीतिक दल में, वो समा इनके बीजेपी ने कहा कि इनसे पूछो सबसे ज्यादा दागी विधायक किस दल में। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में 403 की बात करूं तो उसमें से 78% जो है वो करोड़पति है। अब ये समझना मुश्किल है कि विधायक करोड़पति हो जाते हैं, करोड़पति विधायक हो जाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। प्रसपा से हमारे साथी मौजूद है, प्रसपा में अब क्या कुछ बचा है? चाचा के साथ जा रहे हैं या उनको अभी भी धमकी देंगे कि हमें साथ लो नहीं तो फिरोजाबाद वाला हाल करेंगे, आप ही को हरा के छोड़ेंगे? धमकी है या नहीं है? देखिए राजनीति में किसी भी चीज का विकल्प होता है, और माननीय शिवपाल जी ने अभी एक हफ्ते का समय दिया है, और एक हफ्ते का समय, आपको एक हफ्ते बाद पता चल जाए क्या होने वाला है। हम तो अमन के साथ हैं, और अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। तो हम तो जंग लाजमी है तो जंग ही सही, इशारों में आपसे कह रहे हैं। हाँ। तो देखिए 2012 में सरकार जब बनी तो माननीय नेताजी के नेतृत्व में बनी, उसमें माननीय अखिलेश जी भी थे, माननीय शिवपाल जी भी थे।
लेकिन 2012 के बाद आप लगातार देखिए सिर्फ पराजय का सामना करना पड़ा है, सिर्फ पराजय का, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। एक कैलकुलेशन, एक आंकड़ा देखिए, पहले 26% 27% में सरकारें बन जाती थी, लेकिन इस बार जीत के लिए जो परसेंटेज चाहिए, जो जादुई आंकड़ा चाहिए, वो 40 के ऊपर है। तो 40 के ऊपर के आंकड़े में आप सिर्फ छोटे दलों को लेके या समर्थन लेके या छोटे दलों से गठबंधन करके सरकार नहीं बना पाएंगे। मतलब आप लबोलवा भी ये है कि अगर आप इनके साथ गए तो ही ये जीत पाएंगे, वरना नहीं जीतने वाले। ये हम क्या सब कह रहे हैं, ठीक है, ये आपको अपने साथ नहीं ले रहा है, ठीक है, वो आपको अपने साथ नहीं ले रहा है, वो हार रहे हैं, आप हार रहे हैं, आप भी तो हार रहे हैं। चाबी जिसके साथ रहेगी ताला वही खोल पाएगा, ठीक है, वो आपको नहीं लगवाना चाहते आपकी चाबी। अब ये बताइए, आप अकेले अगर लड़ेंगे तो आप भी तो हारेंगे। क्यों अकेले लड़ेंगे, हमारे साथ ये भी, हमारे साथ वो भी, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं हम लोग, तो अभी बीजेपी के साथ भी जा, हम तो मार्केट में, चलिए ठीक है, इशारों में कह रहे हैं कि हमारे साथ तो ये भी है, हमारे साथ तो ये भी है, विकल्प सारे खुले हैं। कांग्रेस के नेता जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, कांग्रेस की दरअसल जो बातचीत है अब होने लगी है, बिल्कुल नहीं इसको कहूंगा, बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि कांग्रेस की बात नहीं हो रही, कांग्रेस की बात हो रही है, प्रियंका गांधी का जिक्र हो रहा है, प्रियंका गांधी हर जगह जा रही हैं, पहुंच रही हैं, मोर्चा संभाला हुआ है लखीमपुर खीरी में, सबसे हाईलाइटेड नेता अगर कोई रहा तो प्रियंका गांधी रही, सब कुछ ठीक है, लेकिन है कुछ, समझ में आ रहा है, लग रहा है कि कुछ होगा। देखिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, उत्तर प्रदेश की जनता की लगातार स्वीकारता प्रियंका गांधी जी के प्रति और कांग्रेस प्रति बढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का 4.5 साल का जंगल राज था, उसके खिलाफ अगर कोई लड़ाई किसी नेता ने लड़ा है वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी। उंभा की घटना हो, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, शाहजहांपुर की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, या प्रयागराज की घटना हो, ऐसी तमाम घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में हुई, श्रीमती प्रियंका गांधी जी जा करके योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई ली। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए जनता जनार्दन होती है, और जनता उत्तर प्रदेश की इस बार समझदार होकर के वोट करने वाली है, वो इनके हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण जिन्ना कब्रिस्तान इसमें नहीं आने वाले हैं। और इस बार जनता जो उत्तर प्रदेश की प्रतिज्ञा ली है श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, उस प्रतिज्ञाओं को लेकर के हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। प्रतिज्ञा तो कहा जाता है नेता रोज लेते हैं, देखिए वो वही तो मैं कहना चाहता हूँ, 17 में संकल्प पत्र में बड़ी बड़ी बातें की थी आपने, नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो वो लोग जीते, उन्होंने बड़ी बड़ी बात आपने भी की थी, नहीं नहीं हमने जो है उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाकर के चुनाव लड़ा, जीत कर साथ में लड़कर आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, नहीं नहीं हमने बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी, सब लोगों ने मिलकर के मैनिफेस्टो बनाया, हम लोगों ने मिलकर बड़ी बड़ी बातें की थी, मैंने बताया सपा और कांग्रेस ने, लेकिन इस बार श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली उत्तर प्रदेश के प्रारूप में, उन प्रतिज्ञाओं में महिला सशक्तिकरण की बात है, उन प्रतिज्ञाओं में किसानों की बात है, उन प्रतिज्ञाओं में जो हमारे नौजवान खड़े हैं उनके लिए 20 लाख रोजगार की बात है। कल का ज्यादा नहीं हो गया 20 लाख रोजगार, ये तो है, ये तो वही तो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, राजस्थान के कई सारे लोग यहाँ प्रियंका गांधी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, वो राजस्थान से आए हैं चलकर, उनके लिए क्या है? उनके लिए कल वो लोग आए, उनके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण, उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की, आप प्रोटेस्ट कराई, प्रदेश के जनता की ज्यादा चिंता है अभी आपको मैं बता रहा हूँ, और उनके डेलीगेशन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को लाइनअप हो चुका है, उनका डेलीगेशन आज शाम तक संभवतः मिल लेगा। इस बार सपा के साथ क्यों नहीं आ रहे? देखिए सपा के समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और हम तो जनता के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, अपने दरवाजों की बात क्या है? आज अगर मुख्य विपक्षी रूप में अगर कोई दल है वो है कांग्रेस पार्टी, लोग तो लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले गेट नहीं खोल रहे, आप बैल बजाते रह जाते हैं, वो गेट ही नहीं खोल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, जब हाथरस में घटना होती तब अखिलेश यादव जी क्यों कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, और जब उंभा में घटना होती तब क्यों रहते हैं, लखीमपुर में घटना होती है तब वो वेट कर रहे होते हैं कब हम नाश्ता करके बाहर निकले, तो आज सड़कों दरवाजा नहीं खोला तो नाराज हो गया? नहीं हम लोग नाराज क्यों, हम तो जनता के सामने जा रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी जा रहे हैं। कांग्रेस से क्या समस्या आ रही है इस बार? लोग दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को दरअसल समाजवादी पार्टी वाले साथ नहीं ले रहे, कोशिश तो इनकी बहुत है आपके साथ आने की, इन पे वोट नहीं है, जिस के पास वोट नहीं है उसे गठबंधन करने का लाभ क्या, सबसे बड़ी बात यह है, और अगर है भी जो 2-4-5-10% वो शिफ्ट नहीं करा सकते हैं। नेताजी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि इनके पास वोट नहीं है, लेकर क्या फायदा है, तो लाभ का बड़ा नेताजी देखते हैं, प्रॉफिट का बड़ा देखते हैं, लॉस कतई बर्दाश्त नहीं। AIMIM जो यहां आई हुई है वो कईयों का गणित बिगाड़ने की बात कर रही है, क्या उनको अपने साथ लेने जा रहे हैं? बात है, चर्चा है, ओपी राजभर साहब ने कहा कि ठीक है लेंगे। आपने शानदार सवाल पूछा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनका गणित नहीं, अभी ये वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका प्लस करें कि माइनस करें कि गुणा करें कि भाग करें, जो उनके पास है सिस्टम, वो जो 100 सीट पे लड़ा रहे थे अब उन पे प्रत्याशी नहीं है, वो तो आए थे बिहार की तर्ज पे कि मायावती के साथ कुशवाहा के साथ गठबंधन किया
और गठबंधन करके उनको तो ढक्कन कर दिया, अपना 5 सीट जीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब उनके पास कोई गठबंधन करने वाला। अगर 10 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ती है, वो आपके साथ आती है तो लड़वाएंगे? आता हूँ कि वो 403 सीट पर चुनाव लड़े असदुद्दीन ओवैसी। अगर 10 क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उनका वेलकम किया है और कहा है कि ओवैसी एक बड़े नेता हैं और वो दम पूरे देश में भर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, तो उनको 403 सीटों पे चुनाव। राजभर साहब जो है वो आपके साथ हैं? तो सारे मंच पे दिख रहे हैं, हर जगह, बिल्कुल हर जगह आपके साथ हैं। उन्होंने मंच से ही ये बात बोली है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर 10 सीटें मांगते हैं तो वो हमारे साथ हैं, ये सीधी बात है। उनसे पलट के सवाल किया कि अखिलेश यादव यही सोचते हैं, तो उन्होंने कहा जो हमने कह दिया वो अखिलेश यादव ने कह दिया, ये समझो। तो मतलब 10 सीटों पे अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो आपके साथ आएंगे? नहीं, उसमें योगी आदित्यनाथ का अपमान हो जाएगा। बात बताइए, या तो वो असदुद्दीन ओवैसी या तो बीजेपी की बी टीम है। से कम 100 सीट पे क्यों? अगर वो 100 सीट पे नहीं लड़े तो समाजवादी पार्टी को नुकसान कैसे होगा? नुकसान नहीं हो पाएगा, तो बीजेपी की जो षड्यंत्र वो नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है वो 403 सीट पे लड़े और अपनी ताकत दिखाएं और रेड कॉर्पोरेट जो बिछाने का काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उसमें उनकी कोई कोर कसर नहीं रह जानी। असदुद्दीन ओवैसी को आप अपने साथ नहीं लेंगे सीधी? हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं, प्रॉफिट नहीं। उनको हैदराबाद के लोगों को आवश्यकता है, उनको वहां ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खारिज कर दिया चुनाव से पहले ही। मुस्लिम वोट काट लेंगे वो? मैं कह रहा हूँ उनकी यहाँ हो सकता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, ओवैसी जी पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि ओवैसी जी जब जब यूपी आते हैं भाजपा वाले छुपके नहीं लेकिन पीठ पीछे घी के दिए जलाते हैं। जी तो आपका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, बता रहा हूँ ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को। आज ये लोग 4.5 साल में इनका क्या योगदान रहा ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं किए। इन्होंने कारनामे किए, कारनामे कैसे किए हैं? लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दो, हाथरस में दलित बेटी का रेप हो जाए, हमारे ऊना में दलित आदिवासी समुदाय पर उनकी जमीन कब्जाई जाए, प्रयागराज में दलित देश में सबसे ज्यादा रेप कौन से राज्य में होते हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं आंकड़ों के साथ। देखिए आंकड़ों के हिसाब से आज अगर मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा राजस्थान में होते हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? जी अविन जी, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से देखिए इनके नफरत, देखिए मुसलमानों के प्रति इन लोगों ने हमेशा इस्तेमाल किया। आपको बड़ा प्रेम है? हमें तो पूरे 135 करोड़ देशवासियों से प्रेम है, हमें 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के जनता से प्रेम है। हमने जात पंथ मजहब की बात ही नहीं की, और अब उत्तर प्रदेश की जनता इन परिवारवादी पार्टियों में, जात पंथ मजहब वाली पार्टियों में इसमें फंसने वाली नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। जितने भी साथी खड़े हैं मैं इतना दावे के साथ कहना चाहता हूं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया, किसी की जात या धर्म पूछ करके उसको सुविधा नहीं पहुंचाया गया। मुसलमान जो है बड़ा शोषित है, मुसलमान जो है वो बड़ा शोषण हुआ है उनका, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मुसलमानों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने शोषण किया है तो कांग्रेस ने किया है। कभी आप कहते पार्टी ने किया है, अभी आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम किया है, टोपी पहना करके मुसलमानों को माल किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्य धारा में ला करके उनको मदरसे में अगर पढ़ना है तो उनको कंप्यूटर भी पढ़ाना है, उनको साइंटिस्ट भी बनाना है, उनको IAS भी बनना है। ये बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, ना कि इनकी तरीके से पंचर बनाने वाला। नेताजी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है, इस पर एक दिलचस्प सवाल भी है आपसे। आपने एक साथ कहा कि शोषण जो किया, जो कुछ बुरा किया मुसलमानों के साथ, वो दरअसल सपा ने किया और कांग्रेस ने किया, हम तो उनके लिए ये सब कर देंगे वो सब कर देंगे, तो और दूसरे ही शब्दों में आप कहते हैं कि माइनॉरिटी अपीजमेंट जो है इन लोगों ने किया है, तो आप अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो अपीज करते थे? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आदरणीय मोदी जी ने जो बोला, और उसी विश्वास के साथ, और बता दें आपको इस कोविड काल में अपने हृदय पर हाथ रख के आप भी बताइए अविन जी, जितने भी लोग हैं मिलते होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे हमारा राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या निचले स्तर का हो, जमीन पर उतर करके लोगों को राशन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, वैक्सीन लगवाना, सभी को पहुंचाया है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती, और ये सब बड़े बड़े बंगलों में बैठ करके ऐसो आराम, वही जनता के। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में राशन पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, हर चीज पहुंचाई, ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई, ऑक्सीजन भी पहुंचाई, जीवन रक्षक दवाइयां भी पहुंचाई। आज 70 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया? एक टेस्टिंग लैब था, आज 300 से ज्यादा टेस्टिंग लैब, आज हर जगह, हर जिले, गंगा किनारे तैरती तस्वीरें, गंगा किनारे तैरती लाशें, वो क्या था? आप दवाइयां पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, तो वो सब क्यों था ना? ये समाजवादी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग 2015 की तस्वीरें उठा के डालते हैं,
ट्विटर पर देखिए, ट्विटर 2015 की तस्वीरें डालते हैं, मौतें नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक की अगर मृत्यु हुई है उसके लिए सभी को दुख है, उसको दुख है। लेकिन लेकिन अगर इन लोगों की सरकार होती तो तड़पते हुए लोग पड़े रहते। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रबंधन बेहतर किया है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा। एक भी व्यक्ति की अगर मौत हुई है कोरोना काल के दौरान तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? मैं कह रहा हूँ कि माफी मांगेंगे। देखिए देखिए ये इन लोगों का कहना, हम ये इस ड्रामेबाजी का देखिए काम है इन लोगों का। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने में विश्वास करती है। मानवता के आधार पर आप माफी मांगे? आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने आज टेस्टिंग लैब इतने बना दिए, ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए। आज एक मिनट, दस मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 37 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। 3-4 पर रुके, आप पर आ रहा हूँ, आप पर बिल्कुल आऊंगा, आप पर आ रहा हूँ। एक मिनट माइक पर बोलेंगे, एक मिनट रुकिएगा। मानवता के आधार पर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर एक भी व्यक्ति की कोरोना काल में मौत हुई है, व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से ना चले, माफी मांगेंगे? एक भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है वो हमारे आम जनता का, मैं कह रहा हूँ ना, सबको खेद है, उस पर दुख है। लेकिन हम कोविड प्रबंधन हमने बेहतर किया है, ये WHO ने भी हमारी तारीफ की, पूरा विश्व जता रखे। आप सवाल करिएगा। सबसे पहले इस चैनल नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, मैं फार्मा सेक्टर में UP हेड हूँ, और इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न सभी पार्टियों से मेरा है। और सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इस मंच पे हमें क्वेश्चन पूछने का हमें समय दिया, तो आपके सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है कि जैसा कि मेडिकल कॉलेज का नाम लिया, आप आरक्षण को तो मुद्दा बना ही नहीं रहे चुनाव में, हर पार्टी कोई आरक्षण की बात ही नहीं करता। आपने राम मंदिर बनाया, हटाया, हम वेलकम करते हैं, 370 हटाया, हम वेलकम करते हैं। जनता को विकास चाहिए, कोई भी आदमी हो, चाहे आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर कौन होगा? आप आरक्षण लेकर चल रहे हैं, जो हम जो जनरल कैटेगरी का जो मेरा बच्चा है 500 नंबर ला के MBBS की सीट नहीं ले पा रहा है, लेकिन 300 में SC ST सीट एडमिशन ले पा रहे हैं, तो क्या आप उसके आप ट्यूबरकुलोसिस ये सब नहीं? आरक्षण मुद्दा है ये, पार्टी कोई भी पार्टी आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं बना रही है अपना वोट बैंक के चलते? आरक्षण जो मुद्दा है, दरअसल नेता उसको गद्दा समझकर उस पर सोते हैं, आप ये समझिए। आरक्षण को कोई टच नहीं करेगा, वरना दूसरे जो वोट बैंक है वो हिल जाएंगे। सही कहा कि नहीं? BJP ने बड़ी बातें कही हैं, उस पर मैं पूरा मजबूती के साथ ईमानदारी से आपको जवाब दूंगा। आरक्षण वाले पे भी जवाब दे बोलूंगा, उस पर भी बोलूंगा। मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जो है ये मुस्लिमों के तमाम सारे अपीजमेंट से लेके हर काम करती रही, तो वो इनका BJP का जब आरोप लगता है कि शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, वहां के आरोप लगाते हो आप? वहां तो लगाते हो कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं इनसे कह रहा हूं कि दो बातें नहीं हो सकती, या तो मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। आप अभी कह रहे हो कि हम नहीं कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं बहुत काम कर रहे हैं, ये बात एक। दूसरी बात, कोरोना का जो जिक्र आपने किया है, एक सेकेंड आपके लिए मैं सनसनी केज खबर बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव, खुद भी तो टोपी पहनते हैं, हाँ सुनिए, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने पिछले विगत एक साल में 16.5 लाख वोटर लिस्ट से नाम काटे हैं। आप ये बताओ कि वो 16.5 लाख एक साल में क्यों नाम काटे गए? और बड़े 16.5 लाख कौन थे? यादव थे? नहीं नहीं नहीं, वोट जानते क्यों कटे हैं? ये कोरोना में मरने वाले लोग थे। लेकिन BJP की सरकार डाटा तक नहीं बता रही, चुनाव आयोग डाटा तक नहीं बता रहा है कि आखिर वो 16.5 लाख लोग क्यों मारे गए। नहीं, आबादी बड़ी नहीं बड़ी वो तो विषय बात का है, अगर सरकार 28,000 लोग कह रहे कोरोना में मरे दो लहर में, और वोटर लिस्ट में कटे 16 लाख नाम, ये बड़ी बात। बड़ी बात है, आरक्षण पर जाओ। देखिए, ये उसी वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हैं जिससे इन्होंने बहुत बड़ा बहुमत। आरक्षण निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी आरक्षण पे हमेशा बात करती आई है, और हमने जो आरक्षित है उनको भी सम्मान दिया, उनका हक दिलाया, और जो नहीं आरक्षित है उनको भी सम्मान और उनका हक दिया। ठीक है, मेरा मुद्दा ये है कि मेरा मुद्दा यह है कि अभी MBBS इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, जनरल कैटेगरी के बच्चे 500 नंबर लाते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता है, और SC ST में अब 300 में क्यों रैंक दे रहे हैं? कह रहे आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए ना आप, जाति आधार पर आरक्षण? नंबर एक खेल है, नंबर पे मत जाइए। आप ये बताइए, क्या लखनऊ की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, तो क्या सबसे बड़े डॉक्टर मजहर हुसैन साहब नहीं है क्या? क्या उनसे कोई इलाज करने से भागता है क्या? या मैं कहता हूँ कोई SC ST का कोई डॉक्टर सबसे बेहतरीन नहीं है क्या? वो सबसे बेहतरीन इलाज नहीं करता? अगर एक डॉक्टर जो कि जनरल कैटेगरी का भी है और वो बहुत बेहतरीन हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ? प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस उसकी है,
कितना अनुभव है ये मैटर करता है। और ये इस तरह की बात करके, क्या कोई ब्राह्मण वर्ग का डॉक्टर इलाज करेगा तो अमृतत्व का भाव पैदा होगा, और अगर कोई पिछड़े वर्ग का डॉक्टर करेगा तो मृत्यु की तरफ ले जाएगा? ये बातें कहके ये दूषित मानसिकता का प्रश्न है, दूषित मानसिकता है प्रश्न है, ये दूषित मानसिकता है कि ये कहा जाए कि आरक्षण वाला व्यक्ति। ये घटना मैं बता रहा हूँ, मैं किसी डॉक्टर के पास गया, वो महिला डॉक्टर दांत की थी, जब उनकी बात, मेरे दांत में दर्द था, उनसे इलाज करा रहा था, बात करते करते, चूंकि डॉक्टर्स टाइम पास करते हैं आपके साथ जब आपको कोई पेन होता है, उन्होंने कहा कि मैं कभी अपने आप को आरक्षण वाले डॉक्टर को नहीं दिखाती, मेरा दिल उस वक्त फट गया क्योंकि मैं बैकवर्ड हूं। मुझे ये लगा ये कैसी सोच भारत में रन कर रही जो आरक्षण वाले से इलाज नहीं कराती, और वही आरक्षण वाला व्यक्ति आपकी लाश का चीरफाड़ी करता है। जब लाश का चीरफाड़ी होती है तो कोई आरक्षण वाला व्यक्ति, आप नेताजी दरअसल आप दो बातें भूल गए। आपने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण डॉक्टर बनता है तो क्या वो अमृत पिलाता है, इसका थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा संक्षेप। देखिए जो आपका सवाल, आपने कहा ब्राह्मण डॉक्टर बनता है तो क्या अमृत पिलाएगा, आप ब्राह्मण विरोधी बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण के अमृत पिलाता है, ठीक है, आरोप है। आपने ये क्यों नहीं कहा कि कोई यादव डॉक्टर बनता है तो क्या अमृत पिलाता है, बोलिए ये कम नंबर ज्यादा नंबर, आप कहिए कोई यादव डॉक्टर बनता है तो क्या अमृत पिलाता, बिल्कुल नहीं अमृत पिलाता है, जिसकी जितनी प्रैक्टिस, जिसका जितना अनुभव, उस आधार पे वो व्यक्ति काम करता है। जैसे बाबा जी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक्सपर्टीज किस में है, घंटा बजाने में, कैमरे की तरफ घंटा बजाने में, कैमरे को देख के घंटा बजाने में, और गैया को कैमरे के सामने उसको खिलाने में एक्सपर्टीज हैं, तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक्सपर्टीज क्या, अखिलेश यादव की एक्सपर्टीज क्या, पार्टी की, कि उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी की है, ये एक्सपर्टीज है। पार्टी की एक्सपर्टीज ये है कि हमने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियों पे पुल बनाए, हमने सबसे बेहतरीन रोड बनाए। आप नेताजी रुकिए, ये सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि इनकी एक्सपर्टीज ये सब कुछ है, आप अपनी एक्सपर्टीज बताइए अखिलेश यादव। मैंने कहा ना बेहतरीन लैपटॉप दिए, लखनऊ का बेहतरीन मेट्रो बनाया, और लखनऊ में नहीं, जब एक्सप्रेस वे, अगर दिल्ली से आए होंगे, दो एक्सप्रेस वे पड़ते हैं, जब आप आगरा से लखनऊ चढ़े होंगे तो आपको लग गया होगा कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क पे चले। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे भी चले, वहां भी ऐसा ही लगा, यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़े, वहां पर भी ऐसा ही लगा। आप तीनों पार्टियों ने अपना अपना एक्सप्रेस वे वाट रखा है, तीनों एक्सप्रेस वे पे शीशा खोल के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा गाड़ी के अंदर बैठने से। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ऐसा नहीं है, नहीं आपको पता चलेगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वैसा नहीं है, वहाँ गाड़ी लड़खड़ाती है। हाँ बिल्कुल लड़खड़ाती है आपका, अच्छा ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गाड़ी लड़खड़ाती है, फिर अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि हमारा एक्सप्रेस वे है? वो हमने तो उसका स्ट्रक्चर तय किया, हमने बजट तय किया, हमने 2016 के बजट में 1600 करोड़ बनवाया इन्होंने, ये तो सरकार इनकी आ गई, ये तो बनवाया इन्होंने, बनाएंगे ही, बनाया इन्होंने, ठीक है। जब इन्होंने बनवाया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो आप काहे ड्रामा कर रहे थे वहां पर, फीता काट काट के हर जिले में? जब समाजवादी पार्टी की वो सोच थी, क्या सोच है ये? अपने भाई हमने उसको तय, सोच था, सोच लिया था, कभी सोचा होगा बैठे बैठे, कभी सोचा होगा, ठीक है, सोच थी, ठीक है। आपने शिलान्यास किया था, यही विधानसभा के सामने उसका 2016 में शिलान्यास हुआ था, उसकी फोटोज हैं, गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं, और 2016 के बजट में 1500 करोड़ रुपए का फंड का अलॉटमेंट आपने किया था, कंस्ट्रक्शन आपने करा नहीं, बिल्कुल आप पर आऊंगा उससे पहले, बिल्कुल हाँ बताइए क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादियों को लगता है कि शिलान्यास सिर्फ एक पत्थर लगाना ही कार्य हो गया, पत्थर लगा के चले गए, इनको किसी ने बता दिया, क्योंकि लंदन से पढ़ के आए थे, तो जेवर में भी आपने भी पत्थर ही लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, एक एक शब्द में, कि जिस चीज का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी करती है उसका उद्घाटन भी करती है, बना के जनता के लिए समर्पित भी करती है। समाजवादी पार्टी के लोग घर में बैठ करके सपने में एक्सप्रेसवे बना लेते हैं, चंद्रयान पे पहुंच जाते हैं, कल को ये कहेंगे कि हजरतगंज का जब निर्माण भी मैंने किया, लाल किला भी मैंने बनवाया था, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। और इनकी इनकी पार्टी सिर्फ माफियाओं के सहारे चलती, चाहे बैकडोर से लाएं, चाहे इधर से लाएं, चाहे उधर से लाएं। आप देखिए राजभर के द्वारा वहां राजभर को भेज करके वहां पर मुख्तार को मिलने के लिए भेजते हैं। इनका
दिन रात का एक ही सपना है, कैसे हो विकास अपराधियों का। आपने कहा, आपने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास किया, बिल्कुल सच बात है, जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको ताबड़तोड़ वोट पड़े, आप बहुमत से जीते भी। आपने कहा कि जनता जो है दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है विकास पुरुष के तौर पर। अब मैं बताता हूँ जनता आप नरेंद्र मोदी की तरफ कहाँ देख रही है। जनता जब पेट्रोल पंप पर जाती है तो सामने मुस्कुराती हुई जो तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी की, उस तस्वीर की तरफ देखती है और ठगा हुआ सा महसूस करती है, क्योंकि तब कहा गया था कि पेट्रोल डीजल की बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो उस पर क्या झूठ। अबिन जी अभी झूठ बोल रहे थे उस वक्त, कोई झूठ नहीं। मैं पेट्रोल पंप पर जब जनता जाकर मोदी की तरफ देख रही है तो वो तो ठगा हुआ महसूस कर रही है, ये आपको लग रहा है ना। अच्छा नहीं कर रही है जनता, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जो संकल्प पत्र में संकल्प लिया, उसको अच्छरसा पूरा किया है। कौन सा संकल्प है कि पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे? जनता 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 जानती है कि जिस जिन चीजों के लिए सरकार को चुना था उन्होंने, वो पब्लिक जानती है कि हमने जिस चीज के लिए चुना है वो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत को बचाने का कार्य हो, चाहे आम जन को ट्रांसपेरेंसी से पारदर्शिता से रोजगार देने की बात करें, हम चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट आया हो, झूठे सपनों में फंसाने का काम कांग्रेस और सपा ने किया। कभी खाट डाल करके चौपाल करते हैं, खाटी लेके चले गए, कभी दो युवा मिल जाते हैं, कभी बुआ बबुआ मिल जाते हैं। अब ये आप सोचिए, ये कहते हैं मैं 400 सीटें लाऊंगा, सबसे बड़ी बात ये कहता हूं मैं, समझ रहा सवाल हजरतगंज क्या करता हूं, आप पहुंच जाते हैं अमीनाबाद। एक मिनट, 400 सीटें कहती है कि मैं लाऊंगा, लेकिन लेकिन है क्या, जब जब ये दलों को ढूंढ रहे हैं तो ये लड़ेंगे कितना पर, पहले तो ये बताएं। ढूंढ रहे हैं, लड़ेंगे कितना पर, आप बहुत देर से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम बताइएगा फिर सवाल करिएगा। मेरा नाम आलोक प्रताप यादव है। किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता से। कह रहे थे कि सैफई महोत्सव में पैसे लुटाए जा रहे थे, तो अभी इन्होंने 5 किलो राशन दिया जिसका मूल्य 70 रुपए और 170 रुपए के थैले में दे दिया, तो वो क्या जनता के पैसे को नहीं लुटाया? और हर गांव में नाच कराया इन्होंने उस थैले के प्रचार प्रसार के लिए, तो जरा इनसे पूछिए कि उसमें पैसा बर्बाद। आपने जो जिक्र किया, कंपैरिजन किया, वो सैफई महोत्सव से क्यों किया? सैफई महोत्सव बढ़िया चीज, क्योंकि इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था सैफई महोत्सव का, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पैसे का दोहन हो रहा था तो यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, सैफई महोत्सव में अगर पैसे का दोहन, ठीक है, इसमें गरीबों का पेट भरा गया, जैसा बहुत से लोग थे जिनको खाना, एक मिनट, वो 70 कंपेरियर उसको नहीं लिया। ठीक है, आपस में मत करिए, प्रसपा के नेताजी के पास आता, आपस में मत करिए, ठीक है। प्रसपा की बात करते हैं, शिवपाल सिंह यादव जो हैं हल्के से परेशान से नजर आते हैं। लोग तो बाहर ये बातें कर रहे हैं कि अगर आपका गठबंधन सपा के साथ नहीं हुआ तो शिवपाल सिंह यादव का जो ग्राफ है वो बिल्कुल जीरो की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब डाउन जा रहे हैं आप। गठबंधन हुआ तो आप जीवंत रहेंगे, गठबंधन नहीं हुआ तो आप नहीं रहेंगे। हम लोग तो रिलैक्स हैं, और जो आगे ज्यादा रिलैक्स रहेंगे तो चुनाव निकल जाएगा, ये समस्या। कोई चुनाव नहीं निकल रहा है, हमको सिर्फ फैसला लेना है, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास सारी जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें खुली हुई, हमारे आगे रास्ते खुले हैं। हमको कहीं ना कहीं हमारे नेता ने कहा कि हमको किसी बड़े दल से गठबंधन करना है, प्राथमिकता उसमें हमारी समाजवादी पार्टी है। अगर ससम्मान हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से होता है तो निश्चित तौर पर हम लोग उत्तर प्रदेश की इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे क्रिकेट है वैसी राजनीति है, अनिश्चित काल कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं के साथ भरी हुई है। अगर सपा के साथ आपका गठबंधन नहीं होता है, विकल्प के रूप में बता रहा हूँ, नहीं होता है तो आप बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं। हम नेता ने कहा कि किसी बड़े दल से, किसी भी बड़े दल के साथ आप गठबंधन कर सकते हैं। अगर शिवपाल सिंह यादव आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं मिलकर, तो आप उनको अपने साथ लेंगे? देखिए, किसी भविष्य के सवाल पर कोई जवाब, एक बात बता दीजिए कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, एक विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी किंतु परंतु पे विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में स्वयं मजबूत है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। आज हमारे पास 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के पास क्या है? सिर्फ नेता ही नेता बचे, नीचे कोई है ही नहीं, सिर्फ मठाधीश बचे हैं इन पार्टियों में। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी है। और मोदी जी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बने थे तो बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आज गृह मंत्री हैं। इन लोगों के यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, इनके यहाँ एक जो परिवार का व्यक्ति होगा उसी के पास पूरी पार्टी का कब्जा होगा। ये सब प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, इन पार्टियों में कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक निचले स्तर से उठा हुआ कार्यकर्ता राष्ट्रपति भी बनता है, प्रधानमंत्री भी बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। वो सवाल कर रहे हैं कि अमित शाह के बेटे को क्यों बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देखिए, ठीक है, ये
जनता है। राज सिंह के बेटे पंकज सिंह भी हैं, तो परिवार में तो आपके भी हाथ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलती है, लोगों को वैक्सीन भी मुफ्त दे रही है, लोगों नहीं एक बार एक जगह एक चीज जब इन्होंने कहा कि अमित शाह के बेटे को आपने बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बनाया, तो आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है, ये कैसे विकास हो रहा है सबका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान के लिए संकल्पित है, उस पर कार्य करती है। अमित शाह के बेटे की बात कर रहा हूँ, उनका सवाल कर रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। अमित शाह जी हमारे बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचने का सफर अगर किसी पार्टी में तय हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, इसलिए उनके बेटे को बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। और पार्टियों में सीधे लंदन से ला करके उसको नेता स्थापित कर देते हैं। चलिए ठीक है, उस सवाल पर जवाब नहीं दिया, आपकी पार्टी को तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बता दिया। वो देखिए उनकी इनके पास सिलेबस यही इनको भेजा जाता है, देखिए ये बोलना है सिपाही पे बोलना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे बोलना है, लेकिन एक बात आपका बेहतरीन लगा, इन्होंने जो कही बूथ से और नेतृत्व तक बनाया जा सकता है, इनके यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेके और नेतृत्व तक वो बन सकता है जिसके मुकदमे जिला कचहरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हो, कुछ के बात के दंगे के और आपस में लड़ाने के मर्डर के अपराण के उनको बनाया जाता है। विनीत शुक्ला को नहीं बनाया जाएगा, विनीत शुक्ला को इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि विनीत शुक्ला पे कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, और अमित शाह पे तड़ी पार का मुकदमा है, अमित शाह पे दंगा कराने का मुकदमा है, महिलाओं को रेप करने का मुकदमा है, महिलाओं की जासूसी कराने का मुकदमा है, लेकिन विनीत शुक्ला तो एक ईमानदार कार्यकर्ता है, इनको ऊपर तक नहीं भेजा जाएगा, इन पे मुकदमे नहीं है ना कचहरी में ना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है आपने दंगों का जिक्र किया तो बीजेपी कहती है कि 2017 से पहले देखिए कितने दंगे हुए, मुजफ्फरनगर आगरा कानपुर हर जगह का जिक्र करती है, 2017 के बाद से लेकर अब तक कोई दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल, कितना शानदार सवाल है और शानदार जवाब ले लीजिए। दंगा करने वाले जब सत्ता में बैठ जाएंगे तो दंगा करेगा कौन करेगा, हम तो करते नहीं है, और जो सत्ता में नहीं रहते हैं तब दंगा करते हैं वो, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो पुलिस से गोलियां। ठीक है, बड़ा शानदार, ठीक है रुक एक मिनट, बड़ा शानदार, अब शानदार सवाल का शानदार जवाब मिला तो शानदार काउंटर भी लीजिए। आपने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो दंगा तो ये लोग करते थे, मतलब आपकी सरकार के पास इतनी सक्षम नहीं थी आपकी सरकार कि दंगों को रोक पाए, अगर आपकी सरकार दोबारा आती है तो ये दोबारा दंगे करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दंगों की बयार दिखेगी। मुजफ्फरनगर का केस हुआ, दंगे हुए, उस पे जो अपराधी थे उनका मुकदमा किसने वापस लिया? बीजेपी की सरकार ने। तो सोचो, इनको डर है कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई जो अत्याचार आप कर रहे हो तो उन दंगे के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, दंगे तो करवाएंगे ना, फिर से दंगे तो फिर करवाएंगे, उनके मुकदमे वापस ले लिए, फिर दंगे करवाएंगे। नहीं थे तो इनको कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए था और हमारी न्याय व्यवस्था पे विश्वास करना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई विश्वास क्यों? क्योंकि हम अपराधी हैं, मुकदमा हम पे है और दोषी हैं तो हमको सजा हो। अभी ऐसी बातें मत करा करिए, क्लिप कटके लग जाती है, आप कह रहे हैं मैं अपराधी हूँ दोषी हूँ, ठीक है चलिए। अपराधी हैं, अगर मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ये अपराधी हैं तो इनको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। हम अपराधी तब होते जब मुझ पे मुकदमे होते, उत्तर प्रदेश की नहीं देश की किसी अदालत में मुझ पे मुकदमे नहीं है। नेताजी आप बड़ी कट्टू कट बातें करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ ऐसा लगता है कि आप बात करते हैं क्योंकि दिल खोल कर बोल रहे हैं आप। ये बताइए कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो बड़ी ईमानदारी के साथ बताइएगा, ये लोग तो फिर दंगे करवाएंगे, फिर दंगे दिखेंगे उत्तर प्रदेश में, हर जगह दंगे दिखेंगे क्योंकि बीजेपी दंगे करवाएगी। दो चीजें समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर ली है, बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर बदल जाएगा और उसका एंगल बदल जाएगा, एक बात। दूसरा, जिनके पे मुकदमे वापस हुए हैं वो मुकदमे वापस आएंगे और न्यायालय में चलेंगे। दूसरी बात, और अगर दंगा हुआ तो इस बार पुलिस नहीं देखेगी, सीधे आर्मी उस पे काम करेगी और तत्कालिक रूप से सजा होगी और ना बख्शा जाएगा किसी को, वो फिर चाहे घंटे के लिए हो या अजान के लिए हो या किसी चीज के। पिछली बार असफल रहे थे, पिछली बार नहीं कंट्रोल कर पाए। पिछली बार समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति कर, ट्रेनिंग की पोजीशन पे, और समाजवादी पार्टी को हमारे कामों को इन लोगों ने जिस तरीके से पीछे बताया। हमारे नेता क्या कह रहे थे 2017 के चुनाव में कि देख लो मेरे मेट्रो की स्पीड, देख लो मैंने लैपटॉप बांटे, और ये क्या कह रहे थे, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, और अब काम नहीं है तो अब शिलान्यास हो रहा है। जब उद्घाटन का समय आपकी जब परीक्षा हो 12 की, साल भर 2 साल पढ़ने के बाद, तो आप क्या कहो कि मुझे सिलेबस की किताबें ला के दो, अब मुझे परीक्षा देनी है? अरे 2 साल क्या कर रहे थे आप, 2 साल आपका काम था पढ़ाई करके उद्घाटन करके जनता को 5 साल की सरकार के काम बताने के। लोग ये भी कह रहे हैं, कर रहे हो शिलान्यास, इसका शिलान्यास,
अब हम यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, ये रोड सबसे बेहतरीन बनाएंगे। कब? जब आप रहोगे नहीं तो क्या बनाओगे? ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपसे एक सवाल लेके फिर सीधे अन्य लोगों पर जाऊंगा। सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, आप एकदम जागे हैं, तो आप जनता है और विपक्ष भी आप पर आरोप लगा रहा है कि अखिलेश यादव जो थे अभी तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, पूरे कोरोना काल में उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया और जैसे ही चुनाव आए वैसे ही एक्टिव दिख रहे हैं, अब एक्टिव हैं, इससे पहले एक्टिव नहीं थे? देखिए, समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है, रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ेगी, लेकिन इनका जो काम है, रणनीति क्या है? घर बैठकर भी चुनाव लड़ेंगे, ट्विटर से भी चुनाव लड़ेंगे, वो हम आपको नहीं बताएंगे। रणनीति नहीं बताएंगे, बेचैनी बहुत है, रणनीति नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा है कि जो बुलडोजर आजकल दरअसल इस दिशा में चल रहा है, उसकी सरकार बनते ही दिशा पलट देंगे, मतलब सीधा इशारा आप पर, डर लग रहा है? कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, जो जनता के लिए कार्य करता है, जनता की सुरक्षा के लिए हमने कार्य किया, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी और उसको पूरा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के गुंडों की छाती पे बुलडोजर अगर चल रहा है तो इनको दर्द। एक सेकंड, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों पर जो बुलडोजर चल रहा है इससे इनको दर्द है, मतलब चुन चुन कर इन पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं? आप गुंडों की लिस्ट निकालते हैं, फिर सपा की लिस्ट निकालते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, फिर बुलडोजर चलाते हैं। क्या कहा? समाजवादी पार्टी का वो काल देखा है लोगों ने, वो डरावना काल देखा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर गाड़ी आ रही हो तो लोग कहते हैं उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, समाजवादी की गाड़ी आ रही हो तो लोग पीछे हट जाते हैं कि चढ़ा ना दे, गुंडा है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये नेताजी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने एक ही सांस में गाड़ी का भी जिक्र किया और चढ़ाने का भी जिक्र कर दिया। आपने एक ही सांस में अरे नेताजी, मैं आपकी डिबेट में आ रहा था, मुझे बीजेपी कार्यालय के सामने थार दिखी, झंडा लगी, मैं डर गया, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी कि ये थार निकल जाने दो, कहीं मुझ पे ना चढ़ा दे, ये थार वाले लोग हैं, ये इनकी गाड़ी थी, मोदी का फोटो लगा था, योगी का। वो तो कह रहे कि रास्ते में थार दिख गई, डर गए, अभी तक कांप रहे नेताजी। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की आम जनमानस से आप पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के गुंडों की क्या हालत थी, थाने में चढ़ करके सीओ को बोनट पे बांध के, दरोगा को बांध करके। रामवृक्ष यादव की बात करें, बड़े बताए नेताजी। देखिए, आपके साथ एक समझ, आप क्या कर रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं। तो सीधे जवाब दिया, थार जो कंपनी थी वो अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी, थार जी बिक रही थी, अब थार की बिक्री कम हो गई है, वो कह रहे हैं कि थार दिखती है लोग भागते हैं। आज बुलडोजर को इन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर माफिया भूमाफिया थे, अपराधी थे उन पार्टियों में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बसपा हो या अन्य दल हो, इन सभी पार्टियों के गुंडे माफियाओं पर अगर बुलडोजर चला है, ये संपत्ति आपको, आप देखिए आंकड़े हैं हमारे पास। अब आप एक बात बताइए, सुन ली, हमारे नेता ने कहा बेशक मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री जी के काम में या उनकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं, लेकिन जो अफसर बैठे हैं, जो अफसर जिस तरह से काम कराते हैं, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार यहाँ नगर निगम के एरिया में आप बैठे हैं, आप चले जाइए 40% कमीशन नगर निगम में, मोदी जी ईमानदार, योगी जी ईमानदार, 40% कमीशन क्यों है? बहुत बड़े नेता हैं आप, जहां देखा फंस रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि फंस गए वैसे ही बात को पलट दिया, पहले कह रहे थे सरकार क्रूर है, बात को पलटते हुए बोले कि ब्यूरोक्रेसी क्रूर है, सब ब्यूरोक्रेसी के अंडर में है भाई। मायावती जी ने ये 100 साल हुए लखनऊ के, शताब्दी वर्ष जब मनाया गया तो ये सब मायावती जी ने बनाया, उसके बाद अखिलेश जी ने बनाया, सरकार जिसकी रहेगी काम वही करेगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट बना के देते हैं वो अधिकारी देते हैं, सरकार को चूज करना है। आपके सामने खाने की थाली है तो आपको क्या खाना है ये आपको चूज करना है, आपको जो पूरा मेन्यू पूरे होटल में। बीजेपी ठीक है, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, मतलब बीजेपी ठीक है, अधिकारी भ्रष्ट हैं, जनता त्रस्त है, अब आने वाले एक हफ्ते में जवाब मिल जाएगा कि क्या होना है। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने विकल्प खुले छोड़े हैं, इन्होंने बीजेपी के साथ की भी जो बात है उसको रखा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी गंभीर बात है, ये चेतावनी स्वरूप है उनके द्वारा, अगर आपने उनको अपने साथ नहीं लिया तो वो बीजेपी की गाड़ी में बैठकर कमल का फूल खिला देंगे। चाचा का सम्मान है, सम्मान है हर जगह, सम्मान है चाचा, सम्मान का क्या करें, चाटे चूमे बिछाक सो जाए, ये बताइए आप सम्मान का करें क्या चाचा, आप ये बताइए सम्मान का क्या करे, साथ लो ना वो, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सम्मान करेगी उनको, साथ सम्मान कर रहे हो, दरवाजा खोलो कुंडी खोलो, वो सारी बातें होंगी, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अभी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, नेतृत्व कौन कर रहा है प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और अगर आपका डीएम
एक दलित की बच्ची जिसके रेप होता है उसको केरोसिन डाल पेट्रोल डाल के जला दे और उस डीम पे कार्रवाई न करे, तो ऐसी ईमानदारी को चूल्हे के भाड़ में समाजवादी पार्टी डालती, क्योंकि ऐसी ईमानदार मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं जो अपने डीएम को ना हटा सके, जो अपने डीएम को ना हटा सके, जो अपने एसएसपी को ना हटा सके, ऐसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश को और ना उनकी ईमानदारी की जरूरत। ऐसे में आपको शिविर शिवपाल यादव की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो तो कह रहे हैं चाचा का सम्मान, चाचा समाजवादी पार्टी की हर मदद करेंगे और समाजवादी पार्टी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं करेगी। साथ कब ले रहे हैं चाचा? समय आने पर चीजें सामने आ जाएंगी। समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार कह रही है कि चाचा का पूर्ण सम्मान है, लेकिन जनता कह रही है और साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा वो भी देख रही है कि दरअसल साथ कब लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जनता भी काफी बेचैन और घबरा रही है, किससे? महंगाई से, किससे? बेरोजगारी से। जनता दरअसल कह रही है कि आप सड़क सड़क की तो बात कर देते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इतना भारी भरकम निर्माण कराया, उस पर वाहन कैसे चलाएं भैया, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। आप कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर घर घर बांट दिए, उसमें गैस कैसे पड़वाएं, बहुत महंगी कर दी आपने गैस, सरसों का तेल महंगा कर दिया, घरों में खाना नहीं बन पा रहा, आप घर देने की बात करते हैं। वो पीछे से कह रहे हैं कि ठोक नीति जो आपकी चल रही है, उस ठोको नीति के चलते अब ईमानदार लोगों की भी मौत होने लगी है, और ऐसे में कस्टोडियल डेथ्स जो है वो पीछे से बता रहे हैं, उसमें भी काफी लोग जो है मर चुके हैं। ये सब भी सवाल है जिससे जनता बेचैन है और त्रस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुंडों के लिए काल है, अपराधी और मवालियों के लिए काल है, और आम जनता के लिए, आम जनता के खुशहाली के लिए कार्य करती है। जनता को जो पसंद था, जनता ने जिस चीज के लिए हमको चुना था 2017 में, इस चीज के लिए कहां चुना था आपको कि आप कस्टडी में डेथ करेंगे? जनता ने आपको कब चुना कि आप लोगों को इस तरीके से मारेंगे? जनता ने आपको कब चुना? अगर गुंडे मवालियों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए हमको चुना था, हमें राम मंदिर का भव्य निर्माण हो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए हमको चुना था। धारा 370 हटाने के लिए हमको चुना था। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना था कि जो गरीबी हटाओ का नारा 70 सालों तक कांग्रेस देती थी, हमने उन गरीबों को इन्होंने उजाड़ा, और उन गरीबों के अगर पक्के घर, पक्की छत अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए चुना था, वो कार्य करके दिखाया है। आज लड़कियों, एक मिनट, आज बच्चियों के जन्म से लेकर के उनकी पढ़ाई और उनकी विदाई तक की अगर कोई चिंता कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस बार सवाल के जवाब में नेताजी थोड़ा बहुत दूर चले गए, बात हजरतगंज की, नेताजी रायबरेली चले गए। चलिए ठीक है, आप काफी देर से कह रहे थे कि मैं एक बात जरूर कहूंगा इनसे, क्या बात कहना चाह रहे थे? देखिए, अगर आपने उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर कर लिया और डबल इंजन की सरकार, बुलेट ट्रेन की स्पीड, तो आपको अपना दल की क्या जरूरत, आपको संजय निषाद की क्या जरूरत, आपको अकेले लड़ना चाहिए। 20 करोड़ आपको डर लग रहा है, इसलिए आप लोगों को जोड़ रहे हैं। हमें डर, आपको क्या जरूरत? हम तो विपक्ष के हैं और हमारे पास 47 विधायक हैं, तो हम तो अपना परिवार बढ़ाने के लिए, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए व्यवस्था करेंगे। बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, इसलिए दूसरों को लाना पड़ रहा है। देखिए, हमारी एक विधानसभा है लखनऊ में जिसपे 47 आवेदन आए हैं, अब बताओ हम देंगे किसको? जितने विधायक हैं उससे एक विधानसभा पे आवेदन है, और ऐसी ऐसी विधानसभा है जहां 110 आवेदन आए। लगता है कांग्रेस के पास कितने आवेदन आए होंगे लखनऊ विधानसभा? हमें इनसे नहीं भी अंदाजा, समाजवादी पार्टी अंदाजा पास ना तो कार्यकर्ता की कमी, ना हमारे पास नेताओं की कमी, अंदाजा बता। लेकिन अंदाजा नहीं है, अंदाजा कांग्रेस के कितने आवेदन आए। अब वो तो खुद 100 सीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आगे मैं क्या कहूँ? ठीक है, तंज बढ़िया था, टॉन्ट बढ़िया था। लास्ट कॉमेंट जनता में से अगर कोई भी कुछ कहना चाहेगा यहाँ से शुरुआत करूंगा। ठीक है, बताइए। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो लखीमपुर में सब, भाई साहब तो चार भाई साहब है, कौन से भाई साहब? भाजपा वाले भाई साहब, ये भाई साहब ही होते हैं, और टेनी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। टेनी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, समझ रहे हैं? सवाल बताइए। सवाल ये जा रहा है, इनसे सवाल क्या पूछे, खत्म कहानी। चलिए ठीक है, मतलब आप सिर्फ टॉन्ट के लिए थे? टॉन्ट का, ये गए, ये जा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। खुशी दुबे की जमानत कब होगी? आपका नाम क्या? मेरा नाम आकाश अवस्थी, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। खुशी दुबे की बेल कब होगी? सरकार वकील देते नहीं, लॉ स्टूडेंट है मैं। नहीं, वो कोर्ट का मसला है कि नहीं है? कोर्ट का मसला है कि नहीं? कोर्ट का मसला है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पैरवी तो करनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल किस लिए नियुक्त करती है? हर जगह साथ जा सकते हैं, खुशी दुबे के घर नहीं जा सकते हैं? विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ? विकास दुबे का एनकाउंटर वो न्याय पढ़ा ली जाने, क्योंकि वो जब ठीक है, ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, अपराधी था। लेकिन खुशी दुबे को एसपी बोलता है कि वो सही है, वो गलत नहीं, उसको रिलीज कर दिया जाए। कोर्ट का मसला, कानून का मसला। कस्टोडियल डेथ को लेकर अगर मुद्दा बनाया जाए तो आप एक बात, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ आपके में हुई है,
और इस पे आप कहते हैं मतलब ठोको नीति के तहत आप चले जाते हैं, अगर कोई अरेस्ट भी आप करते हैं तो उसको फांसी लगा देते हैं। आप एक बार बताइए, केजी क्लास का बच्चा भी जिस बेंच पर बैठता है उस पर नीचे बैठ के फांसी कैसे लग सकती है? ठीक है, कासगंज मैटर की बात करें, ठीक है। हम नौजवानों का सवाल ये है कि हम लोग को रोजगार, नौजवानों का कितने लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं? ठीक है, जिन्ना करते करते पन्ना पन्ना अपने यूपी टेट का, कि हम लोग को रोजगार कब मिलेगा? क्या जितने परीक्षाएं हो रही है उनके पेपर लीक करा के रोजगार देंगे आप? क्या उन परीक्षाओं के पेपर को जो लीक कराया उसको रद्दी बना के हम लोग रोजगार कब मिलेगा? आप इसको कुछ कहना चाहता? ठीक है, अखिलेश यादव की सरकार में यादव आयोग जैसे मतलब टिप्पणी किया करते थे, अब इनकी सरकार में ही पेपर लीक हो रहा है, इसके बाद क्या किया जाएगा? ठीक है, बड़े सवाल कर रहे थे, जेब में टोपी मास्क है, मास्क है, चले ठीक, चले ठीक है, चलिए आइए। आप क्या कह रहे थे? मैं नहीं, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? नहीं, 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 देखिए इधर आइए, इधर आइए, आपका नाम क्या है? नान बाबू। ऐसे पीछे से ये बदतमीजी नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, ठीक है, बदतमीजी नहीं करते। सवाल करिए। मैं नेताजी से पूछना चाहता हूँ, अभी ये इन्होंने कहा कि सरकार जो है गरीबों के लिए काम कर रही है और राशन दे रही है, वो दे रही है। अभी नेताजी को पता होगा नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार और यूपी को पहले और तीसरे नंबर पे गरीबी में रखा गया है, और बिहार में भी जो है भाजपा शासित राज्य है नीतीश जी, 30-40% दिखाई गई है यूपी में। इनका सीधा सवाल ये है, इतनी ज्यादा गरीबी क्यों बढ़ रही है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने देखा है पुराना, प्लीज 370 पे मत जाइएगा, राम मंदिर पे मत जाइएगा, उनके सीधे सवाल का सीधा जवाब। राम मंदिर आस्था का विषय है और गर्व का विषय है, राम मंदिर को आप ऐसे मत कहिए, राम मंदिर हमारे गर्व का विषय है। और नहीं, एक मिनट, इन्होंने पूछा, अरे भैया मैं कह रहा हूँ ना, जो उन्होंने पूछा मैं जवाब दे रहा हूँ। गरीबों की बात करें, गरीबों को अन्न धन देने की बात करें, हम किसानों को सम्मान निधि देने की बात करें, गरीबों को आवास देने की बात करें, निःशुल्क कनेक्शन देने की बात करें, और एक बात और आपको बता दें, 24 घंटे अगर बिजली देने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया था कानपुर से, बिजनेसमैन पलायन क्यों करता था? सिर्फ बिजली की वजह से। आपने कितने भी सवाल कर लो मेरे भाई, मिलेगी जलेबी, वो भी दही के साथ। ठीक है, अब रुकिए, एक एक आखिरी आखिरी, बिल्कुल कार्यक्रम समापन की ओर है, एक एक आखिरी आखिरी कमेंट लेंगे, इसके बाद कार्यक्रम को खत्म करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप देखिए, चलिए आप ये बताइए, दो आपसे दो सवाल बन जाते हैं, अगर आप सपा के साथ जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप अकेले आते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? नहीं, हम अकेले तो वैसे भी, ये तो पहले भी कह चुके हैं कि कोई ना कोई हमारे साथ रहेगा। अकेले नहीं आ पाएंगे आप? सपा के साथ अगर हम जाते, अकेले नहीं आ पाएंगे आप? अकेले अभी हमारी पार्टी 2-2.5 साल की पार्टी है, निश्चित तौर पे कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। शानदार लोग हैं प्रसपा वाले, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि छोटी पार्टी, जिसके साथ हम रहेंगे सरकार उसकी बनने जा रही, ये आप लिखवा के ले लिए कहीं, हमारे पास जो चाबी है उसी से ताला खुलना है विधानसभा का। बिल्कुल सही बात मत करिए, ये चाबी जो है कमल भी खिला सकती है, वो चाबी है। ठीक है, और बाकी जो है मनोज जी हमारे साथी, हमारे दोस्त हैं साथ में, विनीत जी भी आपके साथ, विनीत जी भी हमारे, सब लोग हमारे साथ हैं। मानी शिवपाल जी कई बार पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, अगर विकास की बात करी तो 13-13 मंत्रालय हमेशा जब भी सरकार रही, 12-13 मंत्रालय उनके पास रहे हैं। तो जो विकास होता है सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, जिस विभाग का जो मंत्री होता है वो विकास करता है। पूरे लखनऊ में कहीं भी चले जाइए, जितने पुल हैं उसके शिलान्यास आप शिलापट देख लिए, उसमें माननीय शिवपाल जी का या माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम है। हमारे नेताजी ने सिंचाई को मुफ्त किया, दवाई मुफ्त करी, पढ़ाई मुफ्त करी, पानी मुफ्त किया, और अगर सरकार बनती है तो ये हमारी तरफ से, ये हमारी मांग रहेगी हमारे दल की तरफ से कि 300 यूनिट बिजली कम से कम सरकार फ्री करे। ठीक है, चलिए आप विकास की बयार बहाएंगे जिसके साथ भी आप चलकर आएंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, इन बातों पे हमको दया के साथ साथ में नहीं जाना है, हमको सम्मान के साथ भी जाना है, हमको अपनी चीज के साथ भी जाना है। ठीक है, तो पूरी ताकत के साथ जाना है, पावर के साथ। ठीक है, बीजेपी अगर रिपीट करती है तो यहाँ के लिए क्या कुछ है जो आप देंगे, झोली भर देंगे? अविन जी, जनता में विश्वास, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, सोच ईमानदार है और काम दमदार है, ये जनता कह रही है, और उसी जनता के विश्वास पर फिर से मोहर लगने वाली है 2022 में, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमने काम किया है, आगे भी कार्य करेंगे और पारदर्शिता से कार्य करेंगे, इस असमंजस में फंसने वाली नहीं कि चाचा के साथ कौन जाएगा,
भतीजे के साथ कौन जाएगा, बुआ के साथ कौन जाएगा, फलाने के साथ कौन जाएगा, भाईजान के साथ कौन जाएगा, जिन्ना के साथ कौन जाएगा, इस कंफ्यूजन में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं फंसने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास कर चुकी है, उनको मुखिया मिल चुका है उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट कट डेवलपमेंट, ठीक है आप बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप क्या कुछ देने की तैयारी में है, कुछ सोचा है? देखिये सबसे पहली बात है उत्तर प्रदेश की युवाओं की और उत्तर प्रदेश में जो महिला सशक्तिकरण की बात है, इन दो बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से स्टैंड लिया है। उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा युवा हैं, ठीक है, इन्होंने 23 अगस्त 2017 से 28 नवंबर तक 15 पेपर कराए, सारे पर्चे लीक हो गए क्योंकि इनको रोजगार नहीं देना था। युवाओं के लिए आप काम करेंगे, युवाओं की आपने लिमिट क्या बनाई है, एज लिमिट क्या है युवाओं, कहां तक आप युवा मानते हैं? युवाओं की लिमिट 18 से 40 होती है, जो प्राथमिकता होती है, जो आवेदन कर सकता है। मतलब राहुल गांधी युवा नहीं है? मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात कर रहा हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि यही सदन में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का यही युवा अयोग्य है, तो मैं तो पूछना चाहता हूं क्या आयोग युवा ने नहीं कहा था? कहा था सदन राहुल गांधी के लिए कहते रहते हैं, राहुल गांधी के लिए कहते सदन में कहा था, सदन में कहा था। और मैं ये कह सकता हूं कि अब ये इन युवाओं को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, अब जो युवा है वो समझदार है, अब युवा जो है अपने विकास के लिए, अपने नौकरी के लिए वोट करने वाला है। जो कांग्रेस पार्टी ने 20 लाख रोजगार का सृजन की बात की है और उनके लिए नए सेक्टर का प्रावधान की बात की, उस पर वोट पड़ने वाला। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं अभी भी अगर उनको युवा समझ रहे हैं जो मंदिर मंदिर घूमने पर मजबूर हुए हैं, आज उनकी स्थिति क्या? एक मिनट आप भाई मंदिर पे ये देखिए, युवाओं पे अगर बात होती तो मंदिर चले जाते। मैं तो कहता हूँ हर युवा जाता है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब जाते हैं। लेकिन अब जो है आपने गड़बड़ कर दी, आपने कहा कि युवाओं की जो एज लिमिट है वो 40 है, इससे तो राहुल गांधी युवा अवस्था से बाहर हो गए। मैंने क्या कहा? नौकरी देने की बात की। राहुल गांधी युवा अवस्था से बाहर हो गए, अब युवा नहीं है वो। मैं वही बता रहा हूँ, मैं तो युवा, राहुल गांधी युवा अवस्था से बाहर हो गए। मैंने क्या कहा? राहुल गांधी युवा अवस्था से बाहर है, बुजुर्ग है, बिल्कुल युवा है राहुल गांधी, युवा है बिल्कुल। और लेकिन ये क्राइटेरिया नौकरी में 18 से 40 का होता है, उन युवाओं की नौकरी। राहुल गांधी पॉलिटिकल लेवल पे युवा है, ठीक है। अब कार्यक्रम समापन के वक्त, क्लाइमेक्स के समय के वक्त नहीं, सवाल जवाब का समय आपको हुआ खत्म, क्लाइमेक्स का समय है और क्लाइमेक्स के समय सबसे ज्यादा मनोरंजन होता है। और मनोरंजन के साथ आप बता दीजिए बेहतरीन शब्दों में कि आखिर समाजवादी पार्टी के पास क्या कुछ है जो 2017 से पहले आपकी सरकार थी और आप नहीं करवा पाए, लेकिन आपके मन में बड़ा वो है कि करवाना है, और बड़ा दुख भी है कि नहीं करवा सके थे लेकिन इस बार करवा के रहेंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ बताइएगा नेताजी। सबसे पहले भाई साहब का सवाल था जिसका जवाब ना तो कारण और ना निवारण, दोनों चीजें बीजेपी ने नहीं बताई कि उत्तर प्रदेश और बिहार गरीबी में पहले और तीसरे नंबर पे क्यों पहुंचा। तो मैं कहता हूं इसका एक ही फार्मूला है, बीजेपी हटाओ गरीबी भगाओ, सीधा सीधा फार्मूला है, इस पे दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाएगी और गरीबी को भगाएगी, उत्तर प्रदेश को समृद्धि की तरफ ले जाएगी। समाजवादी पार्टी का जो विजन है वो डेवलपमेंट का है, हम पे आरोप लगते हैं, तमाम सारी बातों के आरोप लगते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सारी चीज़ों से घबराती नहीं है। इसलिए नहीं घबराती, हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल की जितनी जिम्मेदारियां जनता के प्रति है, भागने का मतलब है, सवाल जवाब ना करने का मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, जैसे हमारा 12 से 17 का कार्यकाल था, अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट था तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उस वक्त जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। अगर बिजली की कमी थी तो उन्होंने कहा हम बिजली पे काम कर रहे हैं और बिजली 2016 से हम बिजली सही करेंगे, इस पे काम कहा। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि चाहे हमारी बहन की साड़ी खींच ली जाए, उत्तर प्रदेश में दुशासन आ जाए, साड़ी खींच ले, और मुख्यमंत्री के मुंह से कभी ना सुनने को मिले कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा है। तो समाजवादी पार्टी ईमानदारी के साथ शब्दों में एक बात, खाम दमदार नहीं है, ये खुद दमदार लोग हैं। नई हवा है, नई सपा है, समाजवादी तो नहीं है, युवाओं की पार्टी है, युवा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है, हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समय के लिए हम लोग पाबंद हैं। हालांकि हमारे नेता पाबंद नहीं होते, ये चीज सोचने और समझने वाली है कि युवा किस तरीके से परीक्षा देने आता है, परीक्षा देता है, फिर उसके बाद कितने सालों के बाद वो भर्ती होगा, इस असमंजस में वो आज भी रहता है। टेट की बात इसलिए करी जाएगी क्योंकि एक दिन पहले का ये पूरा सिलसिला था जहां पर परीक्षा जो थी उसको कैंसिल कराना पड़ा क्योंकि पर्चा लीक हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जो आज तक
परीक्षा तो दे दी थी 4 साल पहले, लेकिन आज भी भर्ती नहीं हुई। तो एक सुझाव जाते जाते इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी रहेगा कि आप सबके लिए सजेशन है कि अगर आपकी सरकार आती है तो इसको थोड़ा टाइम बाउंड करिए कि एक जो छात्र है वो परीक्षा देता है और उसकी भर्ती होती है, इसको 12 महीने 16 महीने 18 महीने के अंदर टाइम बाउंड करने की जरूरत है। बाकी ये कार्यक्रम सामने लिखा हुआ है, माहौल गर्म है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम। मेरा नाम कावेन चौहान, बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए, आप सभी कार्यक्रम में शामिल रहे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as assistant commissioner for cane and sugar department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं।